असल 9 देशों में नियुक्त जो भारत के राजदूत हैं वो जयपुर आए हैं और जयपुर में आज जो है बैठक होगी, सीएस के साथ इनकी बैठक होगी जो दोपहर 12 बजे सचिवालय में बताई जा रही है। तो निवेश की संभावनाओं को लेकर जो है इसमें विचार किया जाएगा। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारी भी जो है इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो 9 देशों के राजदूत जो कुछ राजदूत जो हैं कल शाम भी पहुंचे जयपुर में और आज भी उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि 29 जून तक इन लोगों का एक कार्यक्रम है, 3 दिवसीय दौरा है और इस दौरान जो है अपार संभावनाएं हैं और संबंधित विभागों को लेकर भी जो है अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अब कहते हैं कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक ना तो किसी देश का विकास हो सकता है ना राज्य का विकास हो सकता है। और किस तरह से निवेश पर फोकस किया जा रहा है सरकार में आप ये देख सकते हैं और उसी की ये वानगी है। ये 3 दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस लिहाज से ऋतु, और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, किन किन सेक्टर्स में कितना फोकस किया जाए, कितना इन्वेस्टमेंट लाया जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज्यादा कोशिशें पहले भी देखने को मिली हैं और अभी भी कोशिशें चरम पर है। नीति आयोग की बैठक में भी इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कस किया गया था कि कौन से सेक्टर में कितना निवेश है, कितना काम करना है, उन चीजों को भी शायद एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा। और इसी लिहाज से शायद ऋतु ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सहयोगी का भी रुख करेंगे लेकिन 12 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी ऋतु। बिल्कुल, सीएस डीबी गुप्ता के साथ ही बैठक है और कहा भी जा रहा है कि सुषमा की डीबी गुप्ता के बाद जो है कल शायद इनकी मुलाकात यहाँ पर सीएम राजे से भी हो, उनके साथ भी यहाँ पर बैठक होगी, विचार किया जाएगा इस बैठक के बाद और डिनर का भी जो है आयोजन यहाँ पर बताया जा रहा है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतुराज भी जुड़ गए। ऋतुराज, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण जाती है, 3 दिन कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? खास तौर पर हमेशा ये एक परंपरा सी रही है, जो भारत के जो अन्य देशों में राजदूत हैं वे यहाँ का दौरा करते हैं और वे देश के विभिन्न भागों का दौरा करके और निवेश की संभावना का पता लगाते हैं जिससे उस देश में भारत की स्थिति ठीक हो सके और वहाँ से जो निवेश है वो आ सके। तो इसी कड़ी में ये बैठक का दौर है। आज सीएस के अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में ये उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा और निवेश की वो सूरत देखी जाएगी जिस जहां पर ज्यादा निवेश संभव है। खास तौर पर हम देख सकते हैं खनन में, सड़क और परिवहन के क्षेत्र में निवेश की अच्छी संभावना है, तो उस दृष्टि से भी। और जो रिसर्जेंट राजस्थान का जो अनुभव रहा है सरकार का, उस अनुभव को लेते हुए भी निवेश की संभावना को टटोला जाएगा। तो ये 9 देशों के में जो भारत के राजदूत हैं वो आए हुए हैं, इनका विजिट का अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है, वे औद्योगिक क्षेत्र भी जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी जाएंगे और जगह जगह दौरा करेंगे। उनका वहाँ महावीर विकलांग समिति में भी जयपुर गुट की कार्यप्रणाली जानने का कार्यक्रम है। तो ये 9 देशों के हैं जिसमें माल्टा है, स्वीडन है और अन्य देश शामिल है, जिसमें से 9 देशों में से ऐसा मालूम चला है कि 5 देशों के ही राजदूत आए हुए हैं। सीएस के बाद सीएम से भी मुलाकात और कल होगी और कल उनके साथ बैठक होगी जिससे कि फाइनल स्वरूप कुछ तय हो सके कि निवेश किस रूप में आगे आएगा। ये भी बता देना चाहूँगा कि अब तक कई कोशिशें पहले भी की जा चुकी हैं, पहले भी ये आते रहे हैं लेकिन कहीं ठोस सुझाव या ठोस परियोजना सामने नहीं आई कि निवेश कहाँ हो सकता है और राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में निवेश की संभावना है। तो ऐसे में ये भी माना जाता है कि ये खुद अपना ज्ञानवर्धन करने और अन्य चीज करने। और ऋतुराज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिलहाल जो है 5 देशों के ही राजदूत जो है यहाँ पर आए हैं, क्या और भी जो है 9 आने थे, कुल 4 अब आने बाकी हैं, क्या वो आएंगे या उनका जो दौरा है वो रद्द कर दिया गया है? इसके साथ ही ये भी सवाल मेरा यहाँ पर है कि क्या सीएम राज्य से भी उनकी मुलाकात होगी और जब मुलाकात होगी तो किस विषय को लेकर चर्चा की जानी है? ये भ्रमण का इनका अलग अलग कार्यक्रम है, चूँकि जो पहले आई थी राजदूत वे भ्रमण के लिए सीधे अजमेर निकल गई, तो इस तरह से भी कार्यक्रम बनाया, अलग अलग जगह पर जाने का है, कई अजमेर चले गए हैं कई राजदूत तो एक साथ। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि 9 देशों में जो भारत के राजदूत हैं वो एक साथ बैठक करेंगे, सीएस के साथ बैठक होगी। और ऋतुराज, ये सूबे के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अगर पूरे व्यापक परिदृश्य में देखें, अगर देश के लिहाज से देखें तो अभी बहुत रिसेंटली 1-2 साल में इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। क्या ये जो तमाम देशों के राजदूत आ रहे हैं वहां पर भारत की क्या कंडीशन है, क्या उनका रिस्पॉन्स है,
उन तमाम चीजों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है केंद्रीय स्तर पर भी। देखिए, ये पूरा तरह से जो विजिट है वो राजनयिकों का सेंट्रल लेवल पे विदेश मंत्रालय तय करता है, विदेश मंत्रालय तय करके और यहाँ पर राजस्थान सरकार में भिजवाता है। हाँ। तो ये निश्चित तौर पर केंद्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग इसकी पूरी होती है और राज्यों को अपनी रिपोर्ट भी देनी पड़ती है केंद्र में। हाँ। कि किस तरह के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर निवेश की ज्यादा संभावना है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान की कड़ी है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान की जो महत्वपूर्ण कड़ी और एम्बेसडर खास तौर पर इसी के लिए जाने जाते हैं, तो उस क्षेत्र में भी अपनी रिपोर्ट खुद एम्बेसडर भी देते हैं और राज्यों की भी रिपोर्ट वहां पर जाती है, तो उस दृष्टि से आगे बढ़ा जाता है चरणबद्ध रूप से। यदि कोई राज्य अच्छा निवेश ला सकता है या कोई संभावना अच्छी टटोल सकता है तो निश्चित तौर पर उसके जो रैंकिंग है उसमें पायदान में आगे वृद्धि होती है। और साथ ही राजस्थान की अगर बात करें तो सांस्कृतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज तमाम जानकारी के लिए।